एवरीवन, तो अब हम पढ़ने वाले हैं जनरल वायरोलॉजी एंड ओवरव्यू ऑफ वायरल इन्फेक्शंस का। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में वायरल रेप्लिकेशंस। तो इसमें आ जाता है सबसे पहले हमारे पास में क्या कि वायरसेस डू नॉट अंडरगो बाइनरी फिशन, जो हमने पहले भी पढ़ा था उस पिछले लेक्चर में कि हमारे पास में बैक्टीरिया जो है जैसे बाइनरी फिशन करके रेप्लिकेट करता है, वैसे वायरसेस के साथ नहीं होता। वायरसेस हमारे पास में कॉम्प्लेक्स वे ऑफ सेल डिविजन अपनाते हैं, अंडरगो करते हैं, जिसकी वजह से उनका रेप्लिकेशन होता है और डॉटर सेल्स पैदा होते हैं। ओके, तो अब क्या है हमारे पास में, रेप्लिकेशन ऑफ वायरसेस पासेस थ्रू सेवन सीक्वेंशियल स्टेप्स। सेवन स्टेप्स अब हमारे पास में क्या है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है तो ऑब्वियसली कुछ तो उल्टा सीधा होना था, तो हमारे पास में सेवन क्या कहते हैं उसके स्टेप्स हैं इसके रेप्लिकेशंस के। तो क्या क्या आ जाएंगे वो हमारे पास में, अटैचमेंट, पेनिट्रेशन, अनकोटिंग, बायोसिंथेसिस, असेंबली, मैच्योरेशन एंड रिलीज। व्हाट आर दीज? अटैचमेंट, पेनिट्रेशन, अनकोटिंग, बायोसिंथेसिस, असेंबली, मैच्योरेशन एंड रिलीज। सबसे पहले हमारे पास में क्या होता है इसका, अटैचमेंट। ऑब्वियसली एक वायरस है, मैंने बोला था कि वो बाहर तो हमारे पास में काम कर नहीं पाएगा किसी सेल के, है ना, तो उसको हमारे पास में सेल के अंदर घुस के उसके बाद रेप्लिकेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में सेल के अंदर घुसेगा कैसे, सेल के ऊपर, हमारे होस्ट सेल के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से, जिसके साथ अटैच करता है इसका कोई पार्ट, इसकी कैप्सिड या फिर एनवलप का कोई पार्ट हमारे पास में अटैच करता है और रिसेप्टर्स के साथ, और वो अंदर एंटर हो जाता है। तो सबसे पहले होगी हमारे पास में अटैचमेंट, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, एड्सॉर्प्शन। ठीक है, तो अब क्या है हमारे पास, इट इज़ द फर्स्ट एंड द मोस्ट स्पेसिफिक स्टेप ऑफ वायरल रेप्लिकेशन। ठीक है, अटैचमेंट हमारे पास में सबसे ज़्यादा फर्स्ट, और फर्स्ट तो है ही, हमारे पास में क्या है, मोस्ट स्पेसिफिक स्टेप है। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, इट इन्वॉल्व्स रिसेप्टर इंटरैक्शंस। मैंने जैसे बताया कि हमारे होस्ट सेल के रिसेप्टर्स के साथ ही हम अटैच करता है। ठीक है, द वायरसेस हैव अटैचमेंट साइट्स ऑन देयर एनवलप्स और कैप्सिड प्रोटीन्स दैट बाइंड टू द कॉम्प्लीमेंट्री रिसेप्टर साइट्स ऑन द होस्ट सेल सर्फेस। ठीक है, अब जैसे हमारे पास में एग्जाम्पल आ जाएगी HIV या फिर इन्फ्लुएंजा वायरस की। HIV में हमारे पास क्या होता है, जो उसका हमारे पास वायरल सर्फेस के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन GP120 होता है ना, GP120 हमारे पास में बाइंड कर जाता है CD4 मॉलिक्यूल्स ऑफ द होस्ट सेल्स के साथ। ठीक है, CD4 मॉलिक्यूल्स हमारे पास में रिसेप्टर्स होते हैं जिनके साथ हमारे पास GP120 बाइंड कर जाता है। GP120 इज़ द पार्ट ऑफ HIV एंड CD4 हमारा पार्ट है। ओके, उसके बाद आ जाता है हमारे पास में इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा क्या करता है हमारे पास, वायरल हीमाग्लुटिनिन, हीमाग्लुटिनिन इसके एनवलप प्रोटीन के ऊपर जो हमारे पास में पार्ट है उसको कहते हैं। अच्छा, हमारे पास क्या है, हीमाग्लुटिनिन जो है वो हमारे पास बाइंड कर जाता है ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर्स के साथ। ठीक है, जो कि हमारे रिसेप्टर रिसेप्टर ही होते हैं ऑब्वियसली, बट दे आर प्रेजेंट ऑन रेस्पिरेटरी एपिथीलियम, ठीक है, ऑफ द होस्ट सेल। रेस्पिरेटरी एपिथीलियम किसका है, होस्ट सेल का, और उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर्स। ठीक है, जिसके साथ बाइंड करेगा हीमाग्लुटिनिन, किस में, हमारे इन्फ्लुएंजा वायरस में। ठीक है, देन आता है हमारे पास में पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन में हमारे पास क्या होता है, आफ्टर अटैचमेंट द वायरस पार्टिकल्स पेनिट्रेट इन टू द होस्ट सेल। अब ऑब्वियसली रिसेप्टर के ऊपर अटैच हो गया तो उसके बाद अंदर तो जाएगा ना सेल के, अब सेल के अंदर कैसे जाएगा, पेनिट्रेशन की हेल्प से पेनिट्रेट करेगा सेल वॉल को। अब वो किन तीन तरीकों से करता है, वो हमारे पास में तीन तरीके होते हैं, दैट आर फेगोसाइटोसिस, या फिर जिसको हम बोलते हैं वायरोपेक्सिस। ठीक है, देन आता है नेक्स्ट वाला मेम्ब्रेन फ्यूजन, एंड द थर्ड वन इज इंजेक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, सबसे पहले हम बढ़ेंगे फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में हमारे पास में क्या होता है, इट अकर्स थ्रू रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। इसमें हमारे पास क्या आ जाता है कि एंडोसोम्स जो होते हैं होस्ट सेल के, उनकी वजह से हमारे पास वायरस का अपटेक हो जाता है हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, होस्ट साइटोप्लाज्म के अंदर एंडोसोम्स की वजह से वायरस अपटेक हो जाता है, उसके हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, क्योंकि पहले तो रिसेप्टर के ऊपर बाइंड हुआ उसके बाद एंडोसाइटोसिस हुई ना उसकी। ठीक है, तो ये नॉर्मल सा प्रोसेस है, उसको क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस। ठीक है, देन आता है हमारे पास में मेम्ब्रेन फ्यूजन। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास इसमें ना बड़ा सही सा प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, जो एनवलप्ड वायरसेस होते हैं ना, उनका जो एनवलप वाला पार्ट होता है वो हमारे पास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करता है, उसके साथ फ्यूज करता है और अपने अंदर से न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड लेयर जो है वो अंदर भेज देता है साइटोप्लाज्म में, पर खुद जो है ना एनवलप वो उसी के साथ बाइंड रहता है, किसके साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। देखो, पढ़ लेते हैं,
Some enveloped viruses, example human immunodeficiency virus, which is HIV, enter by fusion of their envelope proteins with the plasma membrane, ठीक है, of the host cell, so that only the nucleocapsid enters into cytoplasm, whereas the viral envelope remains attached to the host cell membrane, ठीक है. अब हमारे पास में थर्ड आ जाएगा इंजेक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड. इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरियोफेजेस हैं, बैक्टीरियोफेजेस किसके ऊपर हमारे पास एक्ट करेंगे, बैक्टीरिया के ऊपर. बैक्टीरिया के पास हमें पता है कि उसके पास रिजिड सेल वॉल होती है, ठीक है. अब रिजिड सेल वॉल को बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरियोफेज, वो तोड़ नहीं पाता, तो वो क्या करता है, हमारे पास में बैक्टीरियोफेज वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया लिखा हुआ है, बैक्टीरियोफेजेस कैन नॉट पेनिट्रेट द रिजिड बैक्टीरियल सेल वॉल, हेंस ओनली द न्यूक्लिक एसिड इज इंजेक्टेड, ठीक है. सिर्फ उसमें हमारे पास में न्यूक्लिक एसिड को ही इंजेक्ट करता है, वाइल द कैप्सिड रिमेन्स अटैच टू द सेल वॉल, ओके. देन आता है हमारे पास में अनकोटिंग. अनकोटिंग में क्या आ जाता है, बाय द एक्शन ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स ऑफ द होस्ट सेल द वायरल कैप्सिड गेट सेपरेटेड एंड द न्यूक्लिक एसिड इज रिलीज इंटू द साइटोप्लाज्म, ठीक है. इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास में, जैसे जो हमारे पास कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड अंदर घुसा ना हमारे सेल के अंदर, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर, तो अब क्या होगा, कैप्सिड लेयर को तोड़ने का काम होता है, ठीक है, जिससे न्यूक्लिक एसिड जो है वो नेक्ड हो जाए. तो कैप्सिड को तोड़ने के काम को हम बोलते हैं अनकोटिंग. अब मुझे बताओ कि ये कहाँ पर एबसेंट होगा, ऑब्वियसली हमारे जब बैक्टीरियोफेजेस वर्क करेंगे वो तो सिर्फ न्यूक्लिक एसिड ही भेज रहे हैं ना अंदर, कैप्सिड तो बाहर ही रह रहा है उनका, तो उनमें ये हमारे पास अनकोटिंग का प्रोसेस एब्सेंट होता है, जो लिखा भी हुआ है, दिस स्टेप इज एब्सेंट इन बैक्टीरियोफेजेस, ठीक है. देन आता है हमारे पास में बायोसिंथेसिस. बायोसिंथेसिस में क्या होता है, जैसे अब न्यूक्लिक एसिड अंदर डाल दिया, अब वो कुछ तो काम करेगा, वो हमारे पास बायोसिंथेसिस करेगा, तो हमारे पास में वो वेरियस पार्ट्स ऑफ वायरस को बनाता है, जैसे कि अदर न्यूक्लिक एसिड्स, कैप्सिड प्रोटीन, एंजाइम्स, ठीक है. उसके बाद क्या, एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर वेरियस स्टेजेस ऑफ वायरल एप्लीकेशन. उसके बाद क्या, रेगुलेटरी प्रोटीन्स टू शट डाउन द होस्ट सेल मेटाबॉलिज्म, ठीक है. तो ये हमारे पास में बायोसिंथेसिस में बनते हैं, ध्यान रखना ये भी है, रेगुलेटरी प्रोटीन टू शट डाउन द होस्ट सेल मेटाबॉलिज्म, ठीक है. उसके बाद हमारे पास, अब हमारे पास असेंबली हो जाती है, ठीक है. असेंबली में क्या होता है कि जितने भी हमारे पास बायोसिंथेसिस में चीज़ें बनी, जैसे कि हमारा वो कैप्सिड लेयर बनी, हमारे पास न्यूक्लिक एसिड बना और ज़्यादा, ठीक है, ये सारी चीज़ें अब हमें करनी है असेंबल, ठीक है, एक वायरस की फॉर्म में, एक वायरियन की फॉर्म में. अब क्या होगा हमारे पास में, वायरल न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स आर पैकेज टुगेदर टू फॉर्म प्रोजेनी वायरसेस, ठीक है. न्यूक्लिक एसिड्स क्या होता है, असेंबली में टेक प्लेस इनटू द होस्ट सेल न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ठीक है. अब डीएनए वायरसेस हमारे पास में न्यूक्लियस में काम करेंगे, न्यूक्लियस में असेंबल होंगे, जैसे कि हमारे पास में जितने भी डीएनए वायरसेस हमने अभी तक पढ़े, बट एक्सेप्ट हमारे पास कौन कौन सा, हेपेटिना वायरस एंड पॉक्स वायरस. पॉक्स वायरस की भी बहुत ज़्यादा वो है ना नाटक, हाँ. तो हेपेटिना वायरस एंड पॉक्स वायरस जो है हमारे पास में न्यूक्लियस में नहीं होते असेंबल, ठीक है, बट बाकी सारे डीएनए वायरसेस जो हैं न्यूक्लियस में असेंबल होते हैं, ये हमारे पास में दोनों साइटोप्लाज्म में असेंबल होते हैं, ठीक है. और बाकी जो हमारे पास आरएनए वायरसेस हैं वो भी हमारे पास साइटोप्लाज्म में ही असेंबल होते हैं, ठीक है. देन आता है मैच्योरेशन. मैच्योरेशन में क्या है, फॉलोइंग असेंबली मैच्योरेशन ऑफ डॉटर वायरियन्स टेक प्लेस इधर इन द होस्ट सेल न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म और मेम्ब्रेन्स. ये हमारे पास में न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म या फिर सेल मेम्ब्रेन्स, या फिर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या आ जाएगा, ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन भी आ जाएगा, और नॉर्मल जो सेल मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें भी हमारे पास ये मैच्योरेशन इनकी हो सकती है, ठीक है, जो भी हमारे पास उसके वायरियन्स बने उनकी, डॉटर वायरियन्स की मैच्योरेशन, ओके. देन आ जाएगा हमारे पास में रिलीज ऑफ डॉटर सेल्स अकर ईदर बाय लिसिस ऑफ द होस्ट सेल मेम्ब्रेन्स या फिर बडिंग, ठीक है. लिसिस ऑफ होस्ट सेल में क्या हो जाएगा, ये हमारे पास नॉन एनवलप वायरसेज और बैक्टीरियोफेजेस करते हैं, जो होस्ट सेल की मेम्ब्रेन है उसको तोड़ देना, ठीक है, और उससे बाहर निकल जाना. देन हमारे पास क्या आता है, बडिंग का प्रोसेस. बडिंग के प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है, इट इज शोन बाय एनवलप वायरसेस ड्यूरिंग बडिंग दे एक्वायर अ पार्ट ऑफ द होस्ट सेल मेम्ब्रेन. अब इसमें क्या होता है, हमारे पास जो एनवलप वायरसेस होते हैं ये बडिंग वाला प्रोसेस वो करते हैं कि वो हमारे पास होस्ट सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, जो वो हमारे पास में उसकी एक बड टाइप की फॉर्म होती है, और ये हमारे पास में उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं. अब जब बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो कुछ पार्ट उस मेम्ब्रेन का, उस प्रोटीन मतलब सॉरी उस सेल मेम्ब्रेन का, हमारी सेल मेम्ब्रेन का, उस सेल की सेल मेम्ब्रेन का हमारे पास में कुछ पार्ट जो है वायरसेस को चिपक जाता है, और वो हमारे पास लिपिड पार्ट होता है, ठीक है. अब वो लिपिड पार्ट जो है इनके एनवलप को फॉर्म करने में हेल्प करता है, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि एनवलप जो है हमारे पास उसका लिपिड पार्ट जो है वो होस्ट का होता है और प्रोटीन पार्ट जो है वो वायरस का खुद का होता है, ठीक है. तो क्या लिखा हुआ है, इट इज़ शोन बाय
envelop viruses. During budding, they acquire a part of the host cell membrane to form the lipid part of their envelopes, subsequently on which viral glycoproteins are inserted. ठीक है, अब आ गया हमारे पास में एक एक्लिप्स फेज. एक्लिप्स फेज में क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द इंटरवल बिटवीन द पेनिट्रेशन ऑफ द वायरसेस इनटू द होस्ट सेल टिल अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट इन्फेक्शियस वायरस प्रोजेनी पार्टिकल. ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारा जो वायरस जो है पेनिट्रेट हुआ हमारे खुद के सेल में, होस्ट सेल में, तो वहाँ से लेके हमारे इन्फेक्शियस प्रोजेनी वायरस का बनने का सफ़र, उतने टाइम को हम क्या बोलते हैं, एक्लिप्स फेज. ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड द वायरस कैन नॉट बी डेमोन्स्ट्रेटेड इनसाइड द होस्ट सेल. अब यहाँ तक हमारे पास में डेमोन्स्ट्रेशन हो ही नहीं पाएगी, हमें पता ही नहीं चलेगा कि होस्ट सेल में वायरस प्रेजेंट है. ठीक है, अब क्या है, द ड्यूरेशन ऑफ एक्लिप्स फेज इज अबाउट 15 to 30 मिनट्स फॉर बैक्टीरियो फेजेस एंड 15 to 30 आवर्स फॉर मोस्ट ऑफ द एनिमल वायरसेस. बैक्टीरियो फेजेस के लिए सिर्फ 15 to 30 मिनट्स है. ओके,